हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से गार्डनिंग कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आज जो है एक हैंगिंग प्लांटर बनाने की सोची है और एक प्लास्टिक की बोतल मैंने काट ली है और उसमें सब पूरे में मैंने होल कर लिया है। ये देखिए, पास पास में थोड़े होल कर लिए हैं और जूट की रस्सी को मैंने बराबर बराबर ऐसे बांध दिया है हैंग करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो है हम थोड़ा सा नारियल का जूट जो होता है वो इसके अंदर हम डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालना है। इसे डालने के बाद हम इसके अंदर मिट्टी आधी फिल कर लेंगे, ये देखिए दोस्तों। और ये इस मिट्टी के अंदर थोड़ी सी मोरंग है, मतलब जो बजरा कहते हैं वो, गार्डन सॉइल, और थोड़ा सा बोन मील डाला है। और इसे हम इस तरह से फिल कर लेंगे, ये देखिए दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, हमने इसे आधा यहाँ तक फिल कर लिया है, ये देखिए। फिल करने के बाद हम इसके अंदर जो है छोटा सा होल करके इसमें मिनी स्पाइडर प्लांट लगाएंगे, ये देखिए मिनी वाला है, इसको हम इसके अंदर ऐसे लगा देंगे और फिर से मिट्टी डालकर इसके अंदर जो है हम इसे, ये देखिए, इसे दबा देंगे इस तरह से। चारों तरफ से हम अच्छी तरह से मिट्टी डाल के इस तरह से हम जो है इसे फिल कर देंगे, थोड़ा सा पुश भी कर देंगे, इस तरह से दबा देंगे। ये देखिए, अब हमने इसमें मिनी स्पाइडर लगा दिया है और थोड़ा सा इसे प्रेस कर देंगे, फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि मिट्टी जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, ये देखिए दोस्तों। और पानी जो है थोड़ा नीचे तक पहुंच जाए ताकि हमारी मिट्टी थोड़ी सी गीली हो जाए, ये देखिए दोस्तों। अगर पानी नीचे तक नहीं पहुंचता है तो हम एक बकेट में पानी थोड़ा सा भर लेंगे और उसके अंदर इसको डिप कर देंगे ताकि हमारा पानी जो है नीचे तक यहाँ तक पहुंच जाए, ताकि मिट्टी और थोड़ी सी ढीली हो जाए, ये देखिए, ये देखिए सॉफ्ट हो जाए ताकि। अगर प्लांट्स में जो हमने प्लांट्स लगाया है, ये छोटा सा स्नेक प्लांट, अगर मिट्टी थोड़ी सी कम पड़ जाती है, इसमें पानी डालने से नीचे बैठ जाती है, तो इसके अंदर हम थोड़ी सी और मिट्टी ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल के और थोड़ा सा हल्का सा दबा देंगे, अब देखिए दोस्तों, हमने वंडरिंग जू की थोड़ी सी कटिंग ले ली है। अब इस कटिंग को दो दो इंच तक जो है इसकी पत्तियां हमें हटा देनी है। हटाने के बाद हम ये जो होल्स हम लोग ने बनाए हैं इसमें इस तरह से फिल कर देना है, इस तरह से लगा देनी है। दोस्तों, हमने मिट्टी इसीलिए गीली की थी ताकि आसानी से हमारी कटिंग जो है इसके अंदर चली जाए। इस तरह से देखिए, इस तरह से
इस तरह से हमें पूरे में जो है इसे लगा देना है वंडरिंग ज्यू की कटिंग। दोस्तों ये देखिए मेरा हैंगिंग प्लांटर अब तैयार हो गया है। ये देखिए ऊपर मैंने मिनी स्नेक प्लांट लगा दिया है और वंडरिंग ज्यू की कटिंग जो होल्स हमने बनाए थे उसमें लगा दिया है। जब वंडरिंग ज्यू बढ़ेगा तो बीच में से हम लोग इसे यहाँ से पिंच कर देंगे ताकि और बुशी हो जाए और हमारा हैंगिंग प्लांटर और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर मेरा ये हैंगिंग प्लांटर आपको अच्छा लगा हो तो अपने गार्डनर दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये आपको कैसा लगा। ये देखिए ये देखिए एक मैंने डॉल का भी बनाया था और इसमें मैंने लालसा लगाया है। ये देखिए